अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में बेसिकली आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आपने इसमें जो ना ऑनलाइन हेयर यूनिवर्सिटी के जितने भी कैंपसेज हैं, बेसिकली मुल्तान, इस्लामाबाद और कामरा कैंपस है, इसमें जो ना तीनों में आप कैसे जो ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग का कम्प्लीट प्रोसेस जो ना आपके साथ शेयर करेंगे, आप इसको एंड तक जरूर देखिए। इसमें सबसे पहले जो ना आपने गूगल क्रोम पे आके AU मतलब एयर यूनिवर्सिटी अगर लिखेंगे तो आपके सामने जो ना कैसा इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एयर यूनिवर्सिटी होम पेज, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और ये आप एयर यूनिवर्सिटी के इस टाइम मेन पेज पे है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे एडमिशन, ये आप एडमिशन देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई, ठीक है। जैसे ही आप हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर इस्लामाबाद कैंपस, एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एरोस्पेस एंड एविएशन कैंपस, एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर मुल्तान कैंपस, देखिए प्रोसीजर सेम है, ठीक है। ये है कि कैंपसेस के लिए आपने जो ना लहदा लहदा अप्लाई करना है, ठीक है। एक जैसे ही प्रोसीजर है बस। अगर आपने अप्लाई करना है इस्लामाबाद के लिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप एरोस्पेस में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप मुल्तान में अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है ना आप देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद का पोर्टल है, ठीक है। ये जो है ना ये मुल्तान का पोर्टल है, ठीक है, एक जैसे ही है बिल्कुल। ये जो है ना इसका एरोस्पेस और एविएशन कैंपस जो है कामरा का पोर्टल है, ठीक है। हम जो है मेन कैंपस इस्लामाबाद के लिए जो है ना अप्लाई करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आपने जो ना साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसमें जो ना इनरोल हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपना जो है ना अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो अप्लाई करने का स्टेप होता है वो है अकाउंट आपने जो है ना क्रिएट करना। यहाँ पर आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है कि ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे नेशनल स्टूडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जो कि पाकिस्तान फॉरेन कंट्री से है, ठीक है। और जो पाकिस्तानी है वो नेशनल स्टूडेंट है, वो यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एप्लीकेंट नेम आपने अपना नेम लिखना है, अपना CNIC एंटर करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। फादर नेम लिखना है यहाँ पे, जेंडर कौन सा मेल और फीमेल जो भी है वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, 03 जो भी है यहाँ पे, ये यह आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो है ना सेल नंबर जो है ना सारा लिख देना है। एप्लीकेंट ईमेल आईडी, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, ठीक है। कन्फर्म करनी है ईमेल, जैसे ही आप यहाँ पे कन्फर्म करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपकी ईमेल पे आपको एक मैसेज आएगा। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन कोड और क्रिएट पासवर्ड का जो है ना यहाँ पे मुझे जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है ना यहाँ पे ये दो जो ना आए हैं। अब कन्फर्मेशन कोड जो है ना, ये कोड जो मैंने ईमेल आईडी लिखी थी, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एप्लीकेंट आईडी कंफर्म की थी, ठीक है, उस पर जो है ना मुझे कोड आ गया। अब मैं वो कोड यहाँ पे एंटर करूँगा और पासवर्ड क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं वो कोड और पासवर्ड एंटर करूँगा तो मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने वहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक किया था तो मुझे यहाँ पे मैसेज आया था कि लॉग इन योर अकाउंट, तो मैंने लॉग इन योर अकाउंट पे क्लिक किया। तो अब मैं यहाँ पे वही ईमेल एंटर करूँगा और जो मैंने पासवर्ड लगाया वो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं साइन इन कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं साइन इन करूँगा, अब ये आप देख सकते हैं कि साइन इन करने के बाद जो है ना मेरे सामने ये इंटरफेस ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अकेडमिक इन्फॉर्मेशन, नेट वगैरह जो भी टेस्ट है, फीडबैक, सबमिशन, एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ से आप सारा जो है ना चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं अपनी फील्ड सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो स्टूडेंट मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लिक करें। सेलेक्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया है। सेकंड प्रेफरेंस मैं किससे देना चाहता हूँ, मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग। थर्ड प्रेफरेंस मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आपने प्रेफरेंस देनी है। अगर आप किसी को प्रेफरेंस नहीं देना चाहते, आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एक ही प्रोग्राम सेलेक्ट करके, ठीक है, और जो है ना ये यहाँ तक जो है ना मैं प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोग्राम सेलेक्ट करके आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड माय सिलेक्टेड प्रोग्राम एलिजिबल क्राइटेरिया एज नोटेड अबव, तो यहाँ पे आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। एलिजिबल क्राइटेरिया लिखा है कि बेसिकली जो ना आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए आप किन किन डिग्री प्रोग्राम को जो ना चूज़ कर सकते हैं, मतलब आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की हो, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में जो ना आपकी FSC हो और 60 से अबव आपके मार्क्स हो, ठीक है। सेव प्रोग्राम है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेकंड स्टेप पे हम आ गए हैं। यहाँ पे फुल नेम और CNIC मैं पहले ही एंटर कर चुके हैं, हम फादर नेम भी एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे अपनी मदर का नेम एंटर करना है, ठीक है, जेंडर, उसके बाद एजुकेशन स्पॉन्सर, ठीक है,
फादर और गार्डियन जो भी है, ठीक है, फादर का CNIC यहाँ पे एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ हम पहले ही एंटर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैरिटल स्टेटस, सिंगल है मैरिड है, तो यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ना गार्डियन नेम, वो यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। फादर ईमेल, यहाँ पे गार्डियन या फादर जो भी है उसकी ईमेल आईडी लिखेंगे। नेशनैलिटी पाकिस्तानी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट, यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन। टेस्ट सेंटर, जो भी आपका टेस्ट सेंटर आप रखना चाहते हैं, ठीक है, इस्लामाबाद ही बनेगा। और आर यू आप PAF वार्ड, ठीक है, मतलब नहीं मैं तो नहीं हूँ, मतलब यहाँ पे सिर्फ वो स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे जिनके जो है ना फादर या मदर जो है ना वो पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन, आपके जो है ना फादर क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, किधर काम करते हैं, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन उनका क्या है, ठीक है। टोटल जो है ना मंथली इनकम आपकी क्या है, वो यहाँ पे आपकी क्लिक करेंगे। टोटल मंथली एक्सपेंसिव कितने हैं, ठीक है। अदर कोर्स ऑफ इनकम, मतलब और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, और इनकम सोर्सेज क्या है इनकम के। नेस्ट ऑफ किन नेम, ठीक है, अपना जो है ना किसी और जो है ना गार्डियन का यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। अंकल, ब्रदर, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद उसका रिलेशन आपके साथ क्या है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप जो है ना लिखेंगे, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। उसके बाद लैंडलाइन नंबर लिखेंगे आपका, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है। फादर या गार्डियन मोबाइल नंबर, ठीक है, एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, ये हम पहले लिख चुके हैं। उसके बाद पोस्टल एड्रेस वगैरह, ठीक है, यहाँ पे जो ना आप सेलेक्ट करेंगे। परमानेंट एड्रेस वगैरह यहाँ से आप जो ना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपलोड पिक्चर, आपने अपनी पिक अपलोड करनी है यहाँ पे, आप ये नीचे पढ़िएगा एक दफ़ा क्या लिखा है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स जो ना काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं इसके वाले से। यहाँ पे लिखा है आप अपलोड पासपोर्ट साइज पिक्चर, ठीक है, पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए और GPG में होनी चाहिए, ठीक है। जब तक ये तीन चीज़ें नहीं होंगी आपकी जो ना पिक अपलोड नहीं होगी। यहाँ से चूज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जिस भी फाइल में आपकी पिक पड़ी है, यहाँ से जिस भी फाइल में आपकी पिक पड़ी है, जिधर भी आपकी पिक पड़ी है उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करके आप जो ना अपनी पिक अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा ये यहाँ पे लिखा है, ये क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे तो तभी आपकी जो ना पिक अपलोड होगी। AU एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे नो, मैं नो पे क्लिक करूँगा। मेडिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने देखनी है, एलर्जी तो नहीं है आपको किसी चीज़ से, ठीक है, वो यहाँ से आपने लिखना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के वाले से लिखना है कि डू यू नीड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सेव और नेक्स्ट पे जब तक आप नहीं जो ना क्लिक करेंगे आपका जो है ना ये जो ना स्टेप कंप्लीट नहीं समझा जाएगा। उसके बाद जो ना हमने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन थर्ड स्टेप की तरफ आप चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एकेडमिक डिटेल, ठीक है, सबसे पहले जो ना आप अपनी मैट्रिकुलेशन की डिटेल यहाँ पे जो ना फिल करेंगे, ठीक है, साइंस में किया है, एजुकेशन बोर्ड है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है, ठीक है, रोल नंबर लिखेंगे, एजुकेशन बोर्ड कौन सा है, ठीक है, एकेडमिक कोर्सेज वगैरह ये सारा फिल करेंगे, स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे आप अपने, ठीक है। और उसके बाद जिस किस ईयर में किया है आपने वो यहाँ पे आप बताएंगे, ठीक है, ईयर टू ये सारा जो ना आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना ग्रेडिंग सिस्टम था, नई परसेंटेज सिस्टम था, वो परसेंटेज सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे, जिस स्टूडेंट का ग्रेडिंग सिस्टम था वो ग्रेडिंग सिस्टम पे, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप। फिर आप जो है ना अपनी यहाँ पे FSC की इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, ऐसे ही जो है ना आप अपनी FSC का लिखेंगे, आपने FSC किस में की है, मेजर सब्जेक्ट प्री मेडिकल में, ठीक है, ऐसे ही जो है ना वो सारा जो है ना आप फिल करेंगे, FSC का जो है ना सारा सेटअप, ठीक है। उसके बाद जो ये सब फिल करने के बाद आपने सेव और नेक्स्ट पे ज़रूर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना थर्ड स्टेप पे हम आ जाएंगे, ठीक है, सैट NAT इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी टेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करनी है, ठीक है, टेस्ट टाइप जो सभी टेस्ट है वो यहाँ से आपने फिल करना है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे, रोल नंबर, उसका रोल नंबर लिया आपने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, तो क्या रोल नंबर था टेस्ट का, पासिंग ईयर, ठीक है, कब आपने वो टेस्ट पास किया था, वैलिड टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने उस टेस्ट को जो आपने टेस्ट दिया था, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है ना वो सिर्फ NAT का जो टेस्ट है, NTS, ठीक है, SAT वगैरह ये जो ना हुए हैं, ठीक है, UET का तो अभी टेस्ट नहीं हुआ, तो जो भी टेस्ट हुआ है आपका वो यहाँ से आपने जो ना चूज़ करना है, ठीक है। GPG फॉर्म में पहले उस फाइल को कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ से आपने जो ना फाइल चूज़ करनी है और उसको अपलोड कर देना है, फाइल चूज़ करनी है और उसको अपलोड कर देना जो भी आपकी फ़ाइल होगी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे सेव और रिटर्न पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
ठीक है, जैसे ही आप सेव और रिटर्न पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट जो है ना प्रोसीजर की तरफ जो है ना चले, यहाँ पे आप अपना फीडबैक शो करेंगे, हाउ डिड यू फाइंड अबाउट एयर यूनिवर्सिटी एडमिशन, ठीक है, यहाँ पे आप अपना फीडबैक और वो सारा जो है ना आप फिल करेंगे, वो आप अपनी मर्जी से गा लीजिएगा जो भी आपका फीडबैक है। यहाँ पे थर्ड जो सेकेंड लास्ट स्टेप होगा यहाँ पे सबमिशन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो ना आप जब जैसे जैसे फिल करते जाएंगे यहाँ पे ये देखे मैंने पहला प्रोग्राम फिल करके उसको कंप्लीट जैसे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक किया था तो मेरा कंप्लीट आया, ठीक है। सेकंड प्रोग्राम में मैंने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक नहीं था किया, और थर्ड प्रोग्राम में मैंने अपनी एकेडमी डिटेल जो है ना उनके साथ अभी तक शेयर नहीं की, ठीक है, टेस्ट के वाले से भी मैंने उनके साथ शेयर नहीं किया, ठीक है, तो अभी तक मैंने सिर्फ एक प्रोग्राम में फिल किया तो वो कंप्लीट का स्टेटस आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो ना आपके जब तक सारे कंप्लीट का स्टेटस नहीं आएंगे, ठीक है, तो तब तक आपका जो है ना यहाँ पे इसका मतलब है आपने अभी तक जो है ना नहीं करवाया, इनकम्प्लीट है आपकी जो है ना एप्लीकेशन, ठीक है। सबमिट और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे प्रिंट आउट चलान निकलवाएंगे, चलान निकलवा के उसको जो भी बैंक है उसमें सबमिट करवाएंगे, उसके बाद उसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे एप्लीकेशन, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगी, ठीक है, योर एप्लीकेशन डाटा इज़ नॉट सबमिट येट, ठीक है। जब तक यहाँ पे आपकी योर रजिस्ट्रेशन इज़ सबमिट सक्सेसफुली, जब तक आपकी यहाँ पे ना आए तब तक आपने जो ना इस ये जो आपकी सारी जो एडमिशन है वो इनकम्प्लीट समझी जाएगी, ठीक है, जो सारा एडमिशन है ये आपका जो ना इनकम्प्लीट समझा जाएगा। यहाँ पे आप बैंक डिटेल वगैरह चेक, ये बैंक डिटेल वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ जब तक यहाँ पे आपकी योर एप्लीकेशन इस सबमिट सक्सेसफुली का ऑप्शन नहीं आएगा, इसका मतलब आपकी अभी तक जो ना एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो बहुत सिंपल सब प्रोसेस है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्द मित्र नेक्स्ट वीडियो में दो हम यहाँ